जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। इस घटना से प्रभावित होकर जालियांवाला बाग के मीठे हाथ में लेकर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली और उसने उसके घर में घुसकर ओ डायर को सीने में गोली मारी। उसका नाम था उधम सिंह। सरदार उधम सिंह, एक ऐसा नाम जिसे याद करते ही जहन में गूंज जाता है आजादी का नारा। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पर ब्रिटिश है वो हत्याकांड जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह जिन्हें शहीद आजम कहा जाता है, उधम सिंह ने अपने बलिदान और संघर्ष से भारत को आज़ादी की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरू जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। 1901 ईस्वी में उधम सिंह के माता और 1907 ईस्वी में उनके पिता का निधन हो जाता है। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक सेंट्रल खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। अनाथालय में उनको उधम सिंह और उनके भाई को साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। उधम सिंह देश के सर्वधर्म संभाव के प्रतीक थे और इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया, जो भारत के प्रमुख तीन धर्मों का प्रतीक है। राम मोहम्मद सिंह 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो जाता है और वह पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। 1919 में अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट करने के बाद पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए थे। इन लोगों का मकसद शांति से प्रोटेस्ट करना था, लेकिन 90 ब्रिटिश सैनिक जनरल रेजिडेंस डायर के अपनी फौजी के साथ उन मासूम लोगों को मार दिया। उसका साथ दिया था पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर ने। इस नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। इसके बाद उधम सिंह वहां पर आते तो देखते कि हजारों लोग मारे गए, कुछ लोग घायल थे तो कुछ लोग मारे गए। उधम सिंह घायल लोगों को अस्पताल ले जाते, जो उनमें से छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे।
शामिल थे। इस घटना से वीर उधम सिंह जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा। आर डायर ने लोगों को मारा था, लेकिन ओ डायर ने परमिशन दिया था। डायर 1912 से 1919 तक भारत के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जनरल डायर ने अमृतसर हत्याकांड के बारे में कहा, उसने कहा कि इसका उद्देश्य बैठक को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि अवज्ञा के लिए भारतीयों को दंडित करना था। अगले दिन डायर ने एक रिपोर्ट में कहा, मैंने सुना कि भीड़ में से 200 से 300 लोग मारे गए। मेरी पार्टी ने 1650 राउंड फायरिंग की। फिर उधम सिंह ने अलग अलग नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। 1934 ईस्वी में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के लिए एक कार खरीदी और साथ में अपना ध्येय को पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी और फिर वह ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगे। फिर जाकर 1940 में मौका मिला उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का, जो 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में मिला। 75 वर्ष की आयु में ओ डायर 13 मार्च 1940 को लंदन के वेस्टरमिंस्टर के कैलेंस्टर हॉक में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशिया सोसाइटी की एक संयुक्त बैठक में उधम सिंह 2 गोली माइकल ओ डायर के सीने में मारी और तुरंत उसकी मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। फिर उन पर मुकदमा चला। जेल में उनको बहुत मारा पीटा गया और पूछा गया कि और कौन है तुम्हारे साथ, तुम ऐसा क्यों किया। जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटविले जेल में फांसी दे दी गई। थी उधम सिंह का शहादत की जीवन गाथा। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए जानकारी को लेकर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।